हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग रेन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर फोरटीन आर्टिकल्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में तो चलिए फ्रेंड बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर हमारा आर्टिकल तो एज यू वेल नोन एंड द हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल और इनकी प्लेस कहाँ होती है ये नाउन से पहले प्लेस होते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं देयर आर टू आर्टिकल्स आप में से कई लोग सोचते होंगे कि आर्टिकल तीन होते हैं जबकि आर्टिकल दो होते हैं फ्रेंड्स ए और एन हम लोग एक जगह ही काउंट करते हैं और दूसरा हो गया हमारा दा डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम लोग इनको बोलते हैं जैसे ए और एन इज़ कोल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन को हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं इट यूजली लिव्स इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन और एस ठीक है तो जिस बारे में जिसके लिए हम पर्सन और थिंग के लिए हम यूज करते हैं उसका मतलब होता है वो इनडेफिनेट पर्सन योर थिंग है फ्रेंड्स ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि ए डॉक्टर जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है ए डॉक्टर तो कौन सा डॉक्टर एनी डॉक्टर तो यहाँ इसका डॉक्टर का मतलब होगा कि कोई भी डॉक्टर हो सकता है ठीक है इंडेफिनेट है ये आर्टिकल ये हमारे नाउन को भी इंडेफिनेट ही बना देता है दा के बारे में हम बात करें तो दा क्या है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग तो क्योंकि ये हमारा किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग को ही इंगित करता है फ्रेंड्स जैसे ही सा द डॉक्टर मीनिंग सम पार्टिकुलर डॉक्टर कि उसने देखा एक डॉक्टर को इसका मतलब यहाँ हो गया उसने एक डॉक्टर को देखा तो इसका मतलब ये होगा कि कोई एक पार्टिकुलर डॉक्टर है उसने किसी डॉक्टर को तो एक डॉक्टर को ही तो देखा होगा ना तो यहाँ पर हम दास से समझ गएंगे जाएंगे कि वो कोई पार्टिकुलर या कोई स्पेशल पर्सन है ठीक है स्पेशल डॉक्टर है एक ही डॉक्टर है तो नेक्स्ट देखते हैं द इनडेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे कहाँ प्लेस होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने फ्रेंड्स जैसे ए नाउन एन और ए गड ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं द डेफिनेट आर्टिकल इज इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो डेफिनेट आर्टिकल हमारे कहाँ यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्लूर काउंटेबल नाउन से पहले और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी जैसे द बुक द बुक्स द मिल्क नेक्स्ट देखेंगे एर एन ए और एन का हम लोग यहाँ पर यूज़ देखेंगे कुछ इसमें डायरेक्शंस दी हुई है जैसे द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड ए और एन की हमारा यूज हम यूज़ करते हैं साउंड के अकॉर्डिंग जैसे बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए वॉवल साउंड एन इज़ यूज्ड एज यू वेल नोन शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वोवेल साउंड से पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं जैसे

लेकिन जो शुरुआत इसकी कई से हुई है फ्रेंड्स एच से कॉन्सोनेंट है जो कि एच एक ठीक है इट इज़ प्रोनाउंस्ड ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए इज़ यूज एज तो जो हमारा कॉन्सोनेंट से हम लोग तो ऊपर यही बताया हुआ है फ्रेंड्स कि ऑनेस्ट भले ही एच से स्टार्ट हुआ हो जो कि एक कॉन्सोनेंट है लेकिन उसकी साउंड क्या है वोवल के अकॉर्डिंग है जैसे आवर आ आ ठीक है तो इसी वजह से हम लोग इनके सामने भी जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उसके सामने भी हम लोग एन का यूज़ करते हैं नेक्स्ट देखेंगे बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए इज़ यूज जो वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं हम लोग ए का यूज़ वहाँ पर करते हैं जैसे ए बॉय ए रेन डीर ए वन एार्ट ए हॉर्स ए होल ऑल्सो ए यूनिवर्सिटी ए यूनियन ए यूरोप एव ए यूनिकॉर्न ए यूजफुल आर्टिकल तो यहाँ पर भी हम लोग ए का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स क्यों क्योंकि दीज वर्ड्स यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी और यूनियन जैसे ये वर्ड्स हैं हमारे नीचे दिए यूनिवर्सिटी और यूनियन और बाकी सब भी बिगनस विद ए कॉन्सोनेट साउंडस भले ही ये क्या है कि कॉन्सोनेट साउंड से स्टार्ट होते भले ही इनमें जो वर्ड्स यू जैसे यू है ये भले ही वॉवल हो लेकिन इनकी जो साउंड है फ्रेंड्स वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसीलिए हम लोग इनके सामने क्या लगाते हैं ए का यूज़ हम लोग करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं नंबर नंबर नहीं इसी का एग्जाम्पल है जैसे हम लोग ए वन रूपी नोट तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे ए का यूज़ हम लोग करेंगे बिकॉज वो वो की यहाँ पर ध्वनि है डब्लू की यहाँ पर ध्वनि है आगे है ए सच ए वन ठीक है ए वन आइड मैन तो ऐसी जगह पर हम लोग ए का यूज करेंगे बिकॉज इनके साउंड क्या है डब्लू जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं सम नेटिव स्पीकर्स यूज एंड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद एच इफ फर्स्ट सेलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कुछ नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो मोस्टली एन का यूज़ कर लेते हैं अगर एच के साथ एच वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ अगर उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कम स्टेज का वो लोग बोलते हैं फ्रेंड्स जैसे होटल एन होटल ठीक है होटल कुछ लोग बोलते हैं ना होटल होटल तो वो लोग क्या यूज़ करेंगे एन का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं एन स्टोरिकल नावल तो उनके जो साउंड थोड़ी अलग तरह से बोलते हैं तो वो लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वैसे नॉर्मली हम लोग जो कॉमन में यूज़ करते हैं वो ए होटल और हिस्टोरिकल नावल ही हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स इंडिया में मोस्टली टेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल अब हम लोग यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल तो हम देखेंगे इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ तो फर्स्ट पॉइंट है द डेफिनेट आर्टिकल सॉरी डेफिनेट आर्टिकल का हम लोग यहाँ पर यूज़ देखेंगे इनडेफिनेट का हमने देख लिया है डेफिनेट आर्टिकल क्या हो गया हमारा द वैन वी टॉक अबाउट ए पार्टिकुलर पर्सन थिंग जब हम किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं जब हम किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं और वन ऑलरेडी रेफर टू ठीक है जो एक बार मीन्स फ्रेंड्स जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हमें वो क्लियर हो या फिर आगे के चैप्टर आगे की जो लाइन है आगे जो का जो कॉन्टेस्ट है उससे हमें पता चल जाता है कि वो किस किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट जैसे हम इसके इसमें हमें आगे की लाइनों से हमें पता चल गया द बुक कौन सी बुक विच द वन यू वट जो सी तुम्हें चाहिए थी विच बुक जो तुम्हें चाहिए थी ठीक है तो इस तरह से इस तरह की जगह पर हम लोग दा का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स जब हमें पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में ऑलरेडी किसी रेफर टू ठीक है लेट्स गो टू पार्क ठीक है लेट्स गो टू दार्क दा कौन सा पार्क तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है द पार्क इन दिस टाउन द गर्ल क्राइड द गर्ल्ड कौन सी गर्ल्ड द गर्ल ऑलरेडी टॉक अबाउट इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं ठीक तो है वो रो रही है क्राइड है नेक्स्ट देखते हैं रोती है नेक्स्ट है वैन ए सिंगुलर नाउन इज़ meant टू रिप्रजेंट ए होल क्लास जब एक सिंगुलर नाउन का मतलब होता है होल क्लास पूरी क्लास जाति के का ठीक है तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल का दा का यूज़ हम करेंगे जैसे द काओ इज़ यूजफुल एनिमल ठीक है द काओ इज़ यूजफुल एनिमल तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये यह काओ सिर्फ़ एक काओ का ब, मतलब यहाँ नहीं है यहाँ पर पूरी काओ जाति का मतलब है फ्रेंड्स ठीक है द हॉर्स इज़ ए नोबल मैन सेम है द कैट लव्स कम्फर्ट द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स दनियन इज़ ए काइंड ऑफ फिग ट्री तो यहाँ पर हम लोग ऐसी जगहों पर हम लोग जब उसके बारे में आगे लाइन में रेफ़र किया हुआ है कुछ तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ हम लोग करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं द टू नाउंस मैन और वुमेन कैन बी यूज़ इन जनरल सेंस विदाउट अर्ली सॉरी विदाउट अदर आर्टिकल तो जब वैन और वुमेन हमारे जो दो नाउन ऐसे होते हैं जो कि हम जनरली कॉमन सेंस में हम लोग बिना आर्टिकल के ही यूज़ कर लेते हैं जैसे द मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूज़ फायर वुमैन इज मैन मेट तो यहाँ ऐसी सेंटेंस में हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ना ही एन का तो कोई भी आर्टिकल हम लोग ऐसे सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे बट इन प्रजेंट डेज इंग्लिस ए मैन एंड वुमैन और मैन और वुमैन वैन एंड मैन We usually use लेकिन आजकल के इंग्लिश में हम लोग क्या यूज़ करते हैं A man और a woman या फिर man जो प्लूरल हो गया को हम नॉर्मली यूज़ करने लगे हैं जैसे ए वूमैन इज़ मोर सेंसिटिव दैन ए मैन तो ऐसी जगह पर हम लोग ए का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं बिफोर सम प्रॉपर ना नेम्स कुछ प्रॉपर नेम्स होते हैं दीज काइंड्स ऑफ प्लेसिस नेम्स हम लोग जहाँ दा का यूज़ करेंगे अभी देखते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर हमें दा का यूज़ करना है जैसे ओशियंस एंड सीज से पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है द रिवर से पहले जब रिवर का नाम होता है तब हम लोग दा का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है कैनल्स से पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं डेजर्ट्स दा सहारा हम यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ़ आइसलैंड जैसे वेस्ट इंडीज़ ग्रुप ऑफ आइसलैंड समूह के बारे में हम बात कर रहे हैं माउंटेन रेंज द एल्पस ये क्या है माउंटेन रेंज है सो so हम लोग दा लगाएंगे ए फेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज कुछ ही कंट्रीज के नाम से पहले जिनके सामने रिपब्लिक और किंगडम लगता है उनसे पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे जैसे द आयरिश रिपब्लिक द यूनाइटेड किंगडम द यूक्रेन द नीदरलैंड एंड इट्स सीट ऑफ गवर्नमेंट द हैग तो ऐसी जगहों पर हम लोग दा का यूज़ करते हैं नेक्स्ट देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स कुछ बुक्स के सामने भी हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं जैसे द वे द पुरान्स द एलिट द रामायण जिसमें हमें नाम से इंगित किया हुआ है नेक्स्ट देखते हैं बट वी से लेकिन हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जब बात बुक्स के राइटर्स के बारे में इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है होमर्स एलिट जैसे वाल्मीकिज रामायण तो यहाँ पर हम लोग दा का यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड एज तो जो यूनिक चीज़ें होती है जो अपने आप में ही यूनिक चीज़ें होती है यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उनके सामने हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं जैसे द सन द स्काई द ओशियन द सी द अर्थ तो ऐसी जगह पर हम लोग द का यूज़ करते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं सम टाइम्स द इज़ प्लेस्ड बिफोर ए कॉमन नाउन कभी कभी द हमारा कॉमन नाउन के आगे भी हम लगा यूज़ करते हैं जैसे टू गिव इट्स इट द मीनिंग ऑफ एबस्टैक्ट ना नाउन ऐस जैसे कि एट लास्ट द वियर वा मतलब यहाँ पर हो गया द व लाइक जो वार को यू पसंद करता है मेटेरियल स्प्रि ठीक है इन हिम वॉज थ्रू आउटली अराउज तो यहाँ पर हम लोग ऐसी जगह पर हम लोग उसका आर्टिकल दा का आर्टिकल दा का हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं बिफोर ए प्रॉपर नेम्स वैन वैन इट इज़ क्वालिफाइड बाई एन एडजेक्टिव और ए डेफिनेटिंग एडवर एडजेक्टिवल क्लोज तो जब कोई प्रॉपर नाउन को हम कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है या फिर कोई डेफिनिंग डेफिनिंग एडजेक्टिव क्लोज यानी कि एडजेक्टिव क्लोज के द्वारा जो हमारा डिस्क्राइब हो रहा है तो वहाँ पर भी हम लोग दा का यूज़ करेंगे जैसे द ग्रेट सीजर यहाँ पर हमारे एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हमने दागा यूज़ किया आगे द इमोट्रल शेक्सपियर ठीक है एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर रहा है इसको शेक्सपियर को तो यहाँ पर हमने दा का यूज़ किया दा मिस्टर रॉय यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज इसको बता रही है होम यू मीट लास्ट नाइट इन माई अंकल तो इसलिए हमने यहाँ पर एडजेक्टिव सॉरी डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ हमने किया सुपरलेटिव डिग्रीज़ के साथ हम लोग एडजेक्टिव, सॉरी इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल दा का हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर ओर्डिनल नंबर जब हमारे ऑर्डिनल नंबर की हम लोग बात करते हैं लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो वहाँ पर हम लोग द का यूज़ करते हैं नाइन्थ ठीक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नाइन्थ सेवंथ नाइन्थ एथ ठीक है इस तरह की जगहों पर नेक्स्ट देख लेते हैं बिफ़ोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स बिफोर एन एडजेक्टिव वैन द नाउन इज़ अंडरस्टूड ऐसी एडजेक्टिव के आगे भी हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं जब हम उनको नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं जैसे द पुअर आर ऑलवेज विद अस यहाँ पर पुअर का मतलब जो है किसी एडजेक्टिव से नहीं जबकि यहाँ पर पुअर क्या यूज़ कर रहा है नाउन के रूप में यूज़ हुआ है फ्रेंड्स पूरी पुअर जाति के बारे में यहाँ बात हुई है तो नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर ए नाउन विद एम्फेसाइजिज तो ऐसे नाउन से पहले जहाँ एम्फेसाइज के रूप में उनको यूज किया हुआ है टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव जैसे द वर्ब इज द वर्ल्ड ठीक है द वर्ब इज़ द वर्ड एम्फेसाइज दिया वर्ब वो वर्ड है ठीक है चीफ वर्ड है यहाँ पर एम्फेसाइज दिया हुआ है द वर्ब इज़ द वर्ल्ड इन ए सेंटेंस तो ऐसी जगहों पर हम लोग सुपरलेटिव जहां उसको एम्फेसाइज किया गया है हम लोग उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए उसको दा का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं एज एंड एडवर्ब विद कंपेरेटिव एडवर्ब के रूप में जब कंपेरेटिव डिग्रीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं तो हम दा का यूज़ कर सकते हैं जैसे द मोर द मेरी द मेरिड ठीक है द जैसे बाय हाउ मच मोर बाय सम मच द मेरिड ठीक है ऐसी जगहों पर द मोर दे गेट जो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है द मोर दे वॉन्ट तो ऐसी जगहों पर हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल का आप लोग हम यूज़ करेंगे देखते हैं जैसे इन इट्स ओरिजिनल नंबर सैंडस ऑफ वन जब इसके बारे में हम लोग वन के बारे में इसको इंगित करते हैं लाइक ट्वेल्व इंच मेक ए फुट ए फुट का मतलब एक फुट नोट ए वर्ड व सेट कोई भी वर्ड कहने के लिए नहीं है ए वर्ड टू द वॉइस इज सफिशेंट ए वर्ड इन देंड इज वर्थ टू इन द बुश तो यहाँ पर सभी ए का हमारा यूज हुआ वन से ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इन द वैग्यू सेंस ऑफ ए सर्टेन कभी कभी जो है वैग्यू सेंस यानी कि जो हमारा वैग्यू का मतलब वैसे तो अस्पष्ट हो जाता है फ्रेंड्स ठीक है ए किशोर कुमार ए किशोर कुमार का मतलब यहाँ किशोर कुमार से नहीं है किशोर कुमार से मतलब है यहाँ पर ए सर्टेन पर्सन नेम किशोर कुमार यानी कि नाम तो है किसी और का लेकिन हमने किसी और को किशोर कुमार बुला दिया तो ऐसी जगह पर हम लोग ए का यूज़ कर सकते हैं ठीक है इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं वन इवनिंग ए बैगर केम टू माय डोर, ठीक है तो ऐसी जगह पर हम लोग सर्टेन केसेस में आ, जो है आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट देख लेते हैं इन सेंटेंस ऑफ एनी टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास तो उस एनी के यू एनी के रूप में हम लोग ए का यूज़ कर सकते हैं कब टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज रिप्रेजेंटेटिव क्लास के बारे में जैसे द प्यूपल शुड ओबे हिज टीचर ठीक है तो प्यूपल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पूरा पूरी जाति के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है द प्यूपल शुड ओबे द टीचर टीचर से का ओबे करना चाहिए स्टूडेंट्स को पीपल मतलब स्टूडेंट्स द ए काओ इज़ ए यूजफुल एनिमल तो ये काओ यहाँ पर पूरी क्लास को दर्शा रही है सो so, नेक्स्ट देख लेते हैं एक, एक काओ पूरी क्लास को दर्शा रही है नेक्स्ट देख लेते हैं टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन्स ठीक है प्रॉपर नाउन्स का जब हम लोग कॉमन नाउन के बाद रूप में यूज़ करते हैं जैसे ए डेनियल काम टू जजमेंट यहाँ पर ए डैनियल का मतलब हो जाता है ए वेरी वाइज मैन ठीक है तो ऐसी जगहों पर हम लोग आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल का हो तो अगर वॉवल और उसके साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग ए और एन दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल तब अब हम देखते हैं कहाँ पर हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल है जैसे द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नेम्स ऑफ सबस्टैंड सबस्टैंस और एब्सट्रेक्ट नाउन से पहले या अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं जैसे सूगर इज़ बैड फॉर योर टीथ गोल्ड इज़ ए प्रीसीियस मेटल विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ़ हेवन होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वर्च्यू इज़ इट्स सेल्फ ऑन रिवार्ड तो ये सब हमारे वर्ड्स क्या हो गए हो जाते हैं ये दोनों तो हमारे मटेरियल सबस्टैंस नाउन हो गए हैं और ये हमारे क्या हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे तो इनसे पहले हम लोग जनरल सेंस में यूज़ नहीं करते हैं क्या आ, आर्टिकल्स का अनकाउंटेबल नाउंस टेक द एंड अनकाउंटेबल नाउन् द यूज़ कर सकता है एक्सेप्शन तो हर चीज़ों में ही होता है फ्रेंड्स द यूज़ कर सकता है कब जब इन्हें पार्टिकुलर यूज में किसी स्पेसिफिक क्वालिटी में क्वालिफाइड ये कर रहे हो कुछ चीज़ एंड चक्टिव क्वालिफाई कर रहा हो इनको या एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लोज इनको क्वालिफाई कर रहा है तो हम लोग इनके सामने इनके साथ में दा का यूज़ कर सकते हैं जैसे वुड यू पास मी द सुगर तो कौन सी सुगर जो टेबल पर रखी हुई है तो इसको अगर आ, कौन सी सुगर ठीक है अगर एडवर्बियल फ्रेज एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लोज इसको डिस्क्राइब कर दिया द विजम ऑफ सोलोमो इज ग्रेट नेक्स्ट है आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग जनरल सेंस में आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते जैसे चिल्ड्रन के साथ में हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन मैनी ऑफिसिस तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे लेकिन इसमें भी एक एकसे, एक्सेप्शन एकसे, दे दिया है देखो नीचे नोट दैट सच नाउंस टेक द दा यूज़ कर सकते हैं वैन यूज विद पार्टिकुलर मीनिंग जब ये पार्टिकुलर मीनिंग के लिए यूज़ हो जाता है जैसे कुछ डिस्क्राइब इनको कर रहा है जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन कौन से चिल्ड्रन आवर चिल्ड्रन अगर हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम लोग दा यूज़ यूज कर सकते हैं अगर हमें पता है पहले ही किस बच्चों की बात हो रही है ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं Before most proper nouns, uh, except those refers to earlier, कुछ हमने पहले ही जो हमने पहले ही बात कर ली है कि कहाँ दा आता है ठीक है नेमली नेम्स ऑफ प्यूपल जैसे गोपाल और रश्मि प्यूपल के नाम से पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं नेम ऑफ कॉन्टिनेंट से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं सिटीज से पहले नहीं करते हैं कंट्रीज से पहले नहीं करते हैं लाइक यूरोप पाकिस्तान इंडिया नागपुर इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स जो इंडिविजुअल माउंटेन्स है वहाँ पर भी हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन माउंटेन रेंज से पहले जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं दा का इंडिविजुअल आइस टेक्स लेक्स इंडिविजुअल आइस होते हैं लेक्स है हिल्स है तो वहाँ उससे पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर नेम्स ऑफ मील्स जो मील्स होती है हमारी उससे पहले भी हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स जैसे वट टाइम डू यू हैव लंच तो ऐसी जगह पर हम लोग मील्स है लंच क्या है मील का नाम है खुराक मील कहते हैं हम ठीक है डिनर इज़ डेडी तो ये क्या है मील है तो मील से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स वी यूज़ ए हम ए यूज़ कर सकते हैं कब जब कोई एडजेक्टिव हमारे ब्रेकफास्ट लंच डिनर को डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है डिस्क्राइब कर रहा है कोई इनकी विशेषता बता रहा है तो हम लोग ए का यूज़ कर सकते हैं जैसे वैन वी यूज़ द वैन वी स्पेसिफाई और वी यूज हम द का यूज़ कर सकते हैं कब जब उनको कोई स्पेसिफाई कर रहा है उसके बारे में कुछ और भी आगे डिस्क्राइब कर रखा है जैसे आई हैड ए लेट लंच टुडे आई हैड ए लेट लंच टूडे तो आगे इसके बारे में बता रखा है तो ऐसी जगह पर हम लोग जो है टुडे आज के बारे में है ठीक है रोज आना वाला लंच नहीं है ये आज का ही है आज ही लेट हुआ है वैसे हम लोग यूजुअली दूसरे टाइम करते थे ठीक है द द डिनर द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज तो कहाँ है वो स्पेसिफिक हो गया टूरिस्ट होटल में किया था हमने तो इसलिए हमने आर्टिकल आर्टिकल का हमने यहाँ पर यूज़ किया है बिफ़ोर लैंग्वेज लैंग्वेज से पहले भी हम लोग क्या यूज़ कर करते हैं फ्रेंड्स किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं वी आर स्टडिंग इंग्लिस दे इस्पीक पंजाबी एट होम हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल जहाँ पर हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं लेकिन ये कुछ एक्सेप्स भी हो जाते हैं साथ साथ तो इसलिए हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना है फ्रेंड्स आप नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चर्च बेड हॉस्पिटल प्रिजन ऐसी जगहों से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं कब जब हम लोग रोज़ वहाँ जाते हैं और उसी परपस से जाते हैं जिस परपस के लिए वो बनी है फ्रेंड जैसे स्कूल में हम रोज पढ़ने जाते हैं ठीक है तो हम लोग वहाँ पर ऐसी जगहों पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं ठीक है यूजुअली जो हम लो, लोग रोज जाते हैं चर्च में प्रेयर करने जाते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट को लेकर जाते हैं तो जब जिस जिस जगह पर हम लोग जिस पर्पज से जाते हैं उससे पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं डेली यूजर में एग्जाम्पल देख लेते हैं आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल स्की स्कूल में तो फ्रेंच सीखेगा ना तो यहाँ पे हमने स्कूल से पहले आर्टिकल नहीं लगाया है वी गो टू चर्च ऑन संडे वी स्टेड इन बेड टिल नाइन एवरी मॉर्निंग माय अंकल इज़ स्टिल इन हॉस्पिटल तो ऐसी जगहों पर हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं लेकिन अगर हम इन जगहों पर जिस जिस पर्पज़ से बनी है जैसे स्कूल स्कूल के लिए बना है मतलब स्टडीज़ के लिए बना है उस पर्पज़ से ना जाकर किसी और काम के लिए हम जाते हैं तो हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स जैसे द का यूज़ हम लोग करते हैं फ्रेंड्स जैसे द स्कूल इज़ वेरी नीयर माई होम तो यहाँ पर हमने स्कूल के बारे में बात की पढ़ने के पर्पज से नहीं की हमने क्या बताई स्कूल हमारे घर के नियर है आई मीट हिम एट द चर्च तो आई मीट हिम मैं वहाँ उसको चर्च में मिली थी बाई बाई चांस वैसे ही मिल गई क्योंकि तो मिलने की जगह नहीं है वो प्रेयर करने की जगह है तो ऐसी जगह पर हम लोग आर्टिकल का यूज़ दा का यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग द बेड इज़ ब्रोकन आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल अंकल को देखने के लिए गया मैं तो ऐसी जगह पर जिस पर्पज़ के लिए वो नहीं बनी है तो उसके वहाँ पर दूसरा काम करने के लिए जा रहे हैं हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन्स लाइक फादर मदर आंटी अंकल ऑल्सो कुक नर्स ंग आवर कुक आवर नर्ट्स तो ऐसी जगह पर हम लोग आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स जैसे फादर हैज़ रिटर्न आंट्स वॉन्ट यू टू सी हर कुक हैज़ नेवर गिवन नोटिस तो ऐसी जगह पर हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स और बिफोर प्रोडिक्टिव नाउंस कुछ प्रोडिक्टिव नाउन्स होते हैं जैसे ए यूनिक पोजिशन कुछ पोजिशंस होती है पोजिशन दैट इज़ नॉर्मली हेल्ड एट वंस टाइम कभी कभी ऐसी पोजिशन होती है जो कभी हमें एक पर्सन को एक ही बार मिलती है ज़िंदगी में बाई वन पर्सन ओनली ठीक है तो ऐसी जगह पर भी हम लोग क्या है आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते जैसे यहाँ पर चेयरमैन ये बना ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बार्ड मिस्टर बनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ठीक है प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन नाइनटीन नाइन्टी सेवन नेक्स्ट देखते हैं इन सर्टेन फ्रेजेज कुछ सर्टेन फ्रेजेज है ट्रांजेटिव वर्ब जिसको फॉरवर्ड किए हुए है ऑब्जेक्ट के साथ तो वहाँ पर भी हम लोग उनके साथ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स फ्रेजेस के साथ तो वैसे के वैसे ही लिखनी पड़ती है और हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं तो ये फ्रेजेस आप देख लेंगे खुद uh, कुछ है ये जैसे टू कैच फायर टू टेक ब्रीथ टू गिव बैटर टू कास्ट एंड कर टू सेंड वर्ड्स टू ब्रिंग वर्ड्स तो इसी तरह की फ्रेजेस आप देख रहे हैं इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट कुछ फर, कुछ फ्रेजेस ये भी हैं जहाँ पर क्या है प्रीपोजिशन फॉलोड किए हुए अपना ऑब्जेक्ट तो इनके साथ भी हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स जैसे एट होम इन होम इन डिबेट बाई डे बाई नाइट बाई डे ब्रेक बाई सनराइज एट सनराइज एट नून सनसेट एट नाइट एट एंकर एट साइट ऐट होम एट एट ऑन डिमान तो इन सबको आप पढ़ लेंगे ऐसी जगह पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते फिर एक्सरसाइज है फ्रेंड्स नेक्स्ट उस किसी वीडियो में मैं आपको करा दूंगी अब देखते हैं रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल के बारे में बात ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा जैसे इफ़ यू से अगर हम कहते हैं आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डोग तो इसका मतलब हो जाता है फ्रेंड्स कि एक ही डोग है वो वो ब्लैक और वाइट थोड़ा सा ब्लैक है और थोड़ा सा वो वाइट है तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है कि एक ही डॉग है वो वाइट और ब्लैक दोनों हैं नेक्स्ट देख लेते हैं आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है फ्रेंड्स कि एक दो डॉग है उसके पास एक ब्लैक है और एक वाइट है नेक्स्ट तो देखते हैं टू डॉक्स वन ब्लैक एंड तो यही बता रखा है वैन टू और मोर एडजेक्टिव क्वालिफाइज द सेम नाउन जब टू और मोर एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहा है द आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव और आर्टिकल हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले लगा है बट वैन दे क्वालिफाई डिफरेंट नाउन्स लेकिन जब ये डिफरेंट नाउन को क्वालिफाई करता है और अंडरस्टूड होती है एक्सप्रेस और अंडरस्टूड द आर्टिकल इज नॉर्मली यूज बिफोर ईच एब्जेक्टिवस लेकिन जब ये दोनों के सामने दोनों एब्जेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का लगाते हैं यूज़ तो इसका मतलब हो जाता है दो नाउन की बात हो रही है और लेकिन इसका मतलब लेकिन यहाँ पर हमारे एक नाउन की बात हो गई नेक्स्ट देखते हैं कंपेयर देखते थे अब इसकी द सीन री द ट्रेजरर इज एबसेंट सॉरी द सेक्रेटरी द ट्रेजरर इज एबसेंट तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया डेफिनेटली क्या कि जो अपसेंट हुआ वो सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों ही था द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर अप्सेंट तो यहाँ पर आर का यूज़ हुआ यानी कि सेक्रेटरी और ट्रेजरर दो अलग अलग लोग थे फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं ये यहाँ पर सेम यही बताया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है वी सी तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स यही बताया हुआ है कि जब हम दो नाउन दो एडजेक्टिव के आगे हम लोग आर्टिकल लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा दो दो लोग ठीक है सेम पर्सन को जो दो नाउन्स डिस्क्राइब करेंगे चलिए पढ़ देते हैं वे वी सी दैट वैन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर्स टू सेम पर्सन और थिंग द आर्टिकल इज ऑर्डिनरी ऑर्डरली यूज बिफोर द फर्स्ट ओनली यानी कि जब दो नाउन एक एक साथ सेम पर्सन को इंगित करते हैं सेम थिंग को इंगित करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग एक से पहले ही आर्टिकल का यूज़ करेंगे लेकिन जब द बट वैन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स जब दो, दो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट पर्सन्स को जो है क्वानिफाई uh, इंगित uh, करेंगे तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे इसका मतलब हो जाएगा दोनों ही आर्टिकल से पहले हम लोग सॉरी दोनों ही नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का लगाएंगे फ्रेंड्स यूज जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया सर सुरेंद्र नाथ वॉज़ ए ग्रेट ओरेटर एंड स्टेट्समैन तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ही पर्सन के लिए जो है उसके दो नाउन् के बारे में बताया हुआ है तो किसके बारे में एक ही पर्सन के बारे में बात हुई हुई है लेकिन हम लोगों ने पहले वाले जो नाउन इसको क्वालिफाई किया हुआ है जो नाउन इसको जो है ऑब्जेक्ट बता रहा है इसका ऑब्जेक्ट है तो हम लोगों ने एक ही के पहले हमने क्या लगाया आर्टिकल का यूज़ किया फ्रेंड्स नेक्स्ट है देयर आर ऑन द कमेटी अमंग अदर्स ए ग्रेट इकोनॉमिकल एंड ए ग्रेट लॉयर तो यहाँ पर बात हुई है कमेटी देयर आर ऑन द कमेटी अदर ठीक है तो ग्रेट इकोनॉमिकल और इकोनॉमिस्ट और लॉयर्स इसका मतलब यहाँ पर दो लोग हैं फ्रेंड्स कमेटी में कमेटी अमंग अदर्स जो हमारा लो, ग्रेट लॉयर्स और ग्रेट इकोनॉमिक्स यहाँ पर अलग अलग है फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं वी में आदर्स से हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जैसे द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर ठीक है और ऐसे भी कह सकते हैं द फोर्थ द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स ठीक है हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं इन एक्सप्रेसिंग ए कम्पेरिजन जब हमें कंपेरिजन करना होता है इफ़ टू नाउंस रेफर्स टू द सेम पर्सन यदि टू नाउन्स सेम पर्सन्स को इंगित करते हैं द आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली तो आर्टिकल फर्स्ट नाउन से पहले यूज़ होता है फ्रेंड्स ओनली जैसे यानी कि कंपेरिजन में भी ही इज़ बेटर ही इज़ ए बेटर मैकेनिक दैन क्लर्क वो एक बेटर मैकेनिक है क्लर्क की बजाय तो हम लोगों ने आर्टिकल का यूज़ किया किससे पहले पहले वाले के सामने पहले ही इज ए बेटर पॉइट देन नावलिस्ट तो ये पहले के सामने ही इज ए बेटर थिंकर दैन ए डिबेटर ठीक है तो ऐसे ही हम कह सकते हैं जैसे सेम पहले हमने बोला था तो नेक्स्ट देख लेते हैं बट इफ़ दे रेफर्स टू डिफरेंट पर्सनस और थिंग्स लेकिन अगर ये दो डिफरेंट दो डिफरेंट पर्सनस के बारे में और थिंग्स के बारे में बात हो रही है द आर्टिकल मस्ट बी यूज विथ ईच नंबर्स तो आर्टिकल दोनों से पहले ही यूज़ होगा जैसे ही इज़ ए बेटर मैकेनिक देन ए क्लर्क ठीक है ही इज ए बेटर मैकेनिक देन ए क्लर्क नेक्स्ट है ही वुड मेक ए बेटर स्टेट्समैन देन ए फ्लोसफर तो इन सेंटेंस से हमें पता चलता है कि यहाँ पर दो पर्सन और थिंग के बारे में डिफरेंट पर्सन और थिंग के बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स तो इसी के साथ हमारा फ्रेंड्स ये आज का ये आर्टिकल चैप्टर ख़त्म होता है फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी अगर आपको कोई दिक्कत होती है फ्रेंड्स कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स तो करते हैं आज का सेशन कंप्लीट फ्रेंड्स थैंक यू एवरी वन हैवे नाइस डे इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल